भिवानी में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भिवानी के भीमखेल परिसर में जिला स्तरीय समारोह हर्षोल्लास और पूरे जोश के साथ आयोजित हुआ। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय गान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में परेड ने मार्च पास्ट किया। भीमखेल परिसर में आयोजित समारोह में आने से पहले श्री गंगवा नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने कोविड-19 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले कोरोना योद्धा, चिकित्सक, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व नगर परिषद कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा एवं अपराध मुक्त हरियाणा बनाने हेतु ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया। लोगों की पुलिस सहायता के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के मात्र 9 मास के दौरान अनेक योजनाएं शुरू की हैं। पेटीशन तक की बात आई है कि मर्सी पेटीशन भी सरकार की, मैंने पहले कहा सरकार की उनके साथ पूरी सिंपैथी है, वो मर्सी पेटीशन क्योंकि पहले भी उन्होंने केस लड़ा है वो भी अगर डालती है या सरकार क्या कर सकती है उसके ऊपर तमाम सरकार जो है, मैंने पहले कहा वो गंभीर है इस विषय पर। और जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की बात की, अवहेलना सुप्रीम कोर्ट की नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम सब के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए मान्य है। आज ही के दिन अटल कैंटीन कोरोना टाइम के अंदर एक अलग बात है कि सारे तमाम चीज़ें हैं। बाकी जैसे कहीं जो अपने हमारी जो मंडियां हैं उसके अंदर भी 10 रुपये के अंदर जो भोजन की व्यवस्था जो की गई है वो तमाम वो दी जा रही है और भी कैंटीनें हमारी जो है खोलने का काम करेगी। आखिरी सवाल सर, सरकार चेती इसीलिए ही आज जो देश है उसकी हालत और देशों से बहुत अच्छी है। इतनी हमारी जो देश की जो जनसंख्या है और हम अमेरिका की, इटली की, स्पेन की अगर उनकी बात करें उसके मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदृष्टि वाला जो फैसला उन्होंने लिया लॉकडाउन करके और तमाम व्यवस्था करके, और उन्होंने तो जिस तरीके से कहा कि हम तो चुनौती एक जो है उसको भी अवसर के रूप में लेने का काम करते हैं, तो उन तमाम जो कदम उठाए उसके तहत ही आज देश के अंदर जो है इतना जो है बचा हुआ है। और निश्चित रूप से देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। है कि किसान की आय बढ़े इसके लिए चाहे MSP की बात है और चाहे और दूसरे ज़रूरी कदम जो है सरकार उठाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही जैसे कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, इसलिए बेटियों को, हमारी प्रदेश की महिलाओं को और ज़्यादा उसको हक देने के लिए और ज़्यादा आगे लाने के लिए जहाँ प्रदेश के अंदर नए कॉलेजेस खोले गए हैं, 11 कॉलेज की अभी घोषणा की, महिला कॉलेजों की भी घोषणा की है, वहीं जो आने वाला जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें भी निर्णय लिया है कि 50% महिलाओं को उसके अंदर जो है भागीदारी देने का काम करेंगे, आरक्षण व्यवस्था लागू करने का काम करेंगे। वहीं जहां महिलाओं को आरक्षण देंगे वहीं जैसे मैंने पहले कहा कि अंत्योदय स्कीम अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, सबको समान रूप से पहुंचे, इसके लिए जो खासकर बैकवर्ड क्लास है जिसमें कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है उनको भी उसमें आरक्षण देने का प्रावधान जो है पंचायतों के अंदर किया जाएगा। खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो जमा गरीब तबके से आते हैं उनको भी जो है उसमें आरक्षण में होगा, उसके भी पंच, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर जो है आने वाले चुनाव में बन सकेंगे। और खासकर आदरणीय मनोहर लाल जी की, चाहे वो पहले वाली सरकार थी चाहे अभी जो सेकंड टर्म है, उसके अंदर समान विकास करवाने का काम पूरे प्रदेश के अंदर किया है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है। और वहीं अब जो कोरोना की जो आज जो वैश्विक महामारी है इसके अंदर भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए, चाहे वो BPL कार्ड धारक जितने भी थे उनका डबल राशन देने की बात थी, तेल दाल तमाम चीज़ें उनको देने की बात थी, चाहे जो हमारे प्रवासी मजदूर थे जो अपने प्रदेश के अंदर इस महामारी के दौरान जाना चाहते थे उनको फ्री बस सेवा
और हमने जो ट्रेनें चलाने का काम किया, उनकी तमाम व्यवस्था कराने का काम किया, वहीं जो मजदूर थे उनके खाते के अंदर जो श्रम जो बीपीएल के कार्ड धारक थे उसके था ही था। उसके साथ साथ अगर कोई नए मजदूरों की भी पहचान करके उनका अपलोड करा करके उनको नई चीज़ दे करके और एक हफ्ते के हिसाब से 1,000 रुपये प्रति सप्ताह यानी 4,000 रुपये महीना उनके खाते में डलवाने का काम किया ताकि उनको कोई दिक्कत और परेशानी जो है वो ना हो। ऐलान भी किया था अपने उद्बोधन में। आज मैं तमाम देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो हम आज़ादी के खुले में सांस ले रहे हैं इसके लिए हमारे जितने भी जिन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया देश की आज़ादी के लिए, अपना सर्वस्व कुर्बान करने का काम किया, मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं और जो सपने उन्होंने देखे थे आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश उन सपनों के साकार की तरफ जा रहा है। आज चाहे देश की सरहदों की बात हो और चाहे देश का पूरे विश्व के अंदर सम्मान बढ़ाने की बात हो, निरंतर सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किया है। वहीं प्रदेश हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार देने का काम किया, जिसने चाहे वो नौकरियों के अंदर मेरिट के आधार पर लागू करने का काम किया और उसको अमली जमा पहनाने का काम किया और अंत्योदय स्कीम यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका एक लक्ष्य है कि सरकारी सेवाओं का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अनेक कदम उठाने का काम सरकार ने किया है। चाहे गांव-गांव अटल सेवा के अंदर खोलने की बात हो, चाहे ई दिशा के अंदर खोलने की बात हो, गांव के अंदर ही आज चाहे बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विडो पेंशन है, चाहे किसान को अपनी फसल का ब्यौरा जो है वो अपलोड करना है, ये तमाम चीजें गांव के अंदर ही जो है आज संभव हो पाई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.